अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, WMC इलेक्शन सेल में खुश आमदीद। आज हम मौजूद हैं कौमी असम्बली के हलका NA245 और सूबाई असम्बली के हलका 106 के आज़ाद उम्मीदवार सलीम सचवानी के साथ। इंतखाबात के 2018 के हवाले से आज हम उनसे बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम सर। सर आप ये बताइएगा कि आप आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इस हलके से खड़े हो रहे हैं, आपके हमरा इस इलाके से तकरीबन 6 आज़ाद उम्मीदवार और हैं जो लड़ रहे हैं, तो क्या इसकी यही वजह है कि आवाम जो है अब वो रवायती सियासतदानों से तंग आ गए हैं और कोई नया उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं जो वाकई उनके मसाइल हल कर सके और उनके बीच में से ही वो उम्मीदवार हो? आप क्या समझते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवारों का इंतखाब लड़ने का मकसद क्या है? आपकी बात सही है, एक दबाव का माहौल था पहले हमारे शहर में, एक दबाव का माहौल था जिसकी वजह से आज़ाद उम्मीदवार खड़े नहीं होते थे, वो हिम्मत नहीं कर पाते थे, क्योंकि आपके मालूम है कराची के हालात 25-30 साल में कराची के हालात कैसे रहे हैं। तो इसी दबाव के माहौल से निकलने के बाद अब आवाम में शऊर पैदा हुआ है, आज़ाद उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, वो हिम्मत कर रहे हैं, लोगों में जा रहे हैं और लोग उनको सुन रहे हैं, लोग उनको उनके मंशूर देख रहे हैं और उम्मीद है लोग इस बार सोच समझ कर और अच्छा फैसला करेंगे।